आगे देखिए चॉकलेट स्वीट कॉर्न, चॉकलेट लगाई हुई है भुट्टे के ऊपर, स्वीट कॉर्न के ऊपर नमक है, मिर्च है और उसके ऊपर चॉकलेट भी है, नींबू भी है। जी सर, अब तो सब चीज बचे हैं। गली का एक लड़का है हमारे पास, आते हैं वो रोज चॉकलेट वाले खाएंगे। लिटरल स्पीचलेस भैया, मैंने सुना है आपके पास चॉकलेट स्वीट कॉर्न मिलता है। जी सर, सच में मिलता है? सच में मिलता है। और कितने साल से बना रहे हो? 20+ सालों से ये हर्षीज चॉकलेट डाल के? हाँ जी सर। भैया बनाओ ये तो आप, मतलब आजकल दिल्ली में बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बट भैया बना रहे हैं 20 सालों से ये चीज। वो भी आइस वाला? वो भी आइस वाला। तो पहले अपना भुट्टा आ चुका है आइस वाला, मक्खन इसमें गया है, अब ये इसके ऊपर देखिए बटर लगाया जा रहा है। तो भैया सच में मिल रहा है 20 सालों से? सर 20 साल से। चॉकलेट वाला ही? चॉकलेट वाला। अब बटर के बाद देखिए इसके ऊपर क्रीम लगाई जा रही है, और ये देखिए गाइस मेयो भी आ चुका है इसके ऊपर। तो बटर आ चुका है, क्रीम आ चुकी है, मेयो आ चुका है, नमक, अब इसमें नमक भी आएगा, पीली मिर्च, पीले मिर्च भी है गाइस, नमक है, मिर्च है और मसाला भी है, और इसके ऊपर चॉकलेट भी आएगा। जी आएगा। तो भैया स्वाद मसालेदार आएगा या मीठा आएगा? सभी का स्वाद आएगा आपको, सभी का स्वाद आएगा, चॉकलेट का भी आएगा, क्रीम का भी आएगा, बटर का भी आएगा, नींबू का भी आएगा, इसमें सभी आएगा। और गाइस अब देखिए ये हो रहा है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, चॉकलेट डाली जा रही है स्वीट कॉर्न के ऊपर, स्वीट कॉर्न के ऊपर नमक है, मिर्च है और उसके ऊपर चॉकलेट भी है। अब तो सब्जी नहीं बचे हैं, अभी और कुछ भी आना है? अच्छा नींबू भी है? जी सर। मतलब तो खट्टा मीठा हो गया ना, इसमें खट्टा स्वाद भी आना है, मीठा भी आना है, मसालेदार भी आना है। और जैसे जैसे इसको मिक्स किया जा रहा है, थोड़ा मतलब दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है। आपको आइडिया कहाँ से आया इसका? सर मैं अपने आप बनाता हूँ आइडिया। अपने आप बनाते हो आइडिया? और 20 साल पहले लोग खरीदते थे इसको? सर खरीदते थे तभी तो हम बना रहे हैं ना। अरे वाह, किसी भी शॉप वाले से पूछ सकते हो आप कि सच में 20 साल से भैया दे रहे हैं? बिल्कुल, किसी से शॉप वाले से पूछ लो आप। अब तो इधर टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता सच में टेस्ट में अच्छा हो। तो गाइस ये देखिए चॉकलेट स्वीट कॉर्न, चॉकलेट लगाई हुई है भुट्टे के ऊपर, और आपको देख के लग रहा होगा कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट कराए हैं। ब्लॉगर्स को लोग गालियां देते हैं कि ब्लॉगर्स ने एक्सपेरिमेंट कराए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर से पूछ लिया है, वो 12-13 साल से खा रहे हैं ये चीज। वो भैया बताने की 20 साल पिछले 20 सालों से ये चीज बनाई जा रही है यहाँ पे, भुट्टा चॉकलेट डाल के, मेयो डाल के, क्रीम डाल के। अगर 20 साल से बिक रही है तो कुछ तो इसमें बात होगी, लेट्स सी। वैसे सही बताऊं खाने से पहले थोड़ा सा अजीब सा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी स्वीट कॉर्न चॉकलेट के साथ नहीं खाया है, कभी सोचा भी नहीं है कि हाँ मैं चॉकलेट के साथ स्वीट कॉर्न खाऊंगा, बट लोग खा रहे हैं 20 सालों से। देखा जाए तो झूठ नहीं बोलूंगा, भैया के पास में एक बार पहले भी भुट्टा खा के गया हूँ, कोई पुदीने वाला भुट्टा था, बहुत ही बढ़िया था, तब मेरे को नहीं पता था ये चॉकलेट वाला भी मिलता है। रिसेंटली मेरे को पता चला चॉकलेट वाला मिलता है, तो मैं ट्राई करने आ गया कि हाँ देखा जाए, इतने एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें खा ली है मैंने लाइफ में, एक और हो जाए। बट जो लोग इसे 20 सालों से खा रहे हैं उन्हें मेरा सल्यूट है, और भाई शॉर्ट ऑन वर्ड्स लिटरली स्पीचलेस। गाइस मुझे चॉकलेट वाला भुट्टा बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ले लिया नॉर्मल पुदीने वाला। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट से बताइएगा क्या आप ये चॉकलेट वाला भुट्टा खाना चाहेंगे, और आपको इसे देखकर क्या आपके दिमाग में आया। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। तो भैया एड्रेस और बता दो आप अपना, कोई अगर आके ट्राई करना चाहे। लाल क्वार्टर मार्केट कृष्णा नगर, MH ज्वेलर्स के सामने।